हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निशा। दोस्तों, अगर आपको घर पे ही बहुत आसानी से अपने चेहरे को फेयर, ब्राइट, ग्लोइंग बनाना हो तो दही से बेहतर कुछ भी नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत सिंपल कंप्लीट फेशियल मास्क बनाना बताऊंगी, जो सन टैन को दूर करके आपके कॉम्प्लेक्शन को तो फेयर बनाएगा ही, साथ में डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन को दूर करेगा और ढीली त्वचा को भी टाइट करेगा। दोस्तों, हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको जल्दी से कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 3 से 4 चम्मच दही। दही में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे कॉम्प्लेक्शन को नेचुरल तरीके से फेयर बनाने में बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट, इसमें डालिए लगभग 1 चम्मच नींबू का रस। नेचुरल तरीके से स्पॉटलेस फेयर स्किन पाना हो तो नींबू का रस हमारी बहुत हेल्प करता है, लेकिन अगर आपको ये सूट नहीं करता है तब आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर इसमें मिलाइए लगभग 1 चम्मच हनी यानी कि शहद। शहद हमारे स्किन को नेचुरल तरीके से मॉइस्चराइज करता है और लंबे समय तक हमारे स्किन को ये जवान बनाए रखता है। नेक्स्ट, इसमें डालिए लगभग 1/2 से 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। हम इस पैक में मुल्तानी मिट्टी इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपके चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल और गंदगी को बाहर निकाल कर आपके चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो ला देगा। लास्ट में इसमें मिलाइए लगभग 1 से 2 चम्मच चावल का आटा। चावल के आटे में स्किन वाइटनिंग एजेंट होने के साथ ये एक बहुत अच्छा स्क्रबिंग का भी काम करता है, जो हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करके डेड स्किन सेल को रिमूव करता है। अब इन सबको आप इस तरह से अच्छे से मिलाकर एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। इसको यूज करने का तरीका है कि सबसे पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से पहले साफ कर लीजिए, उसके बाद आपको इस तरह से लेना है और अपने साफ चेहरे पे इसको अप्लाई करना है। 2 से 3 मिनट तक आप हल्के हाथों से इसको स्क्रब कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये सूख जाए फिर ठंडे पानी से इसको धो लीजिए। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको वीक में कम से कम 2 बार जरूर इस्तेमाल कीजिए। पहले इस्तेमाल से ही आप देख सकते हैं कि मेरा स्किन कितना फेयर ब्राइट दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।